समझ में नहीं, बस ये चीज आपको सब लोग बताते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ एक चीज पढ़ना है, काम खत्म। मात्र एक चीज पढ़ना है, पूरी वीडियो का काम खत्म। और ये सब जितना भी आपने पढ़ा इससे कोई मतलब नहीं। आप कैसे पहचानेंगे या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वही चीज तो मैं आपको बताने आया हूं। अगर समझ में आए तो अच्छा सा, आपको समझ में आना चाहिए। कम समय है और वर्दी तो आपको लेनी लेनी है 100% के साथ। एक सीट पक्की करनी है 60,000 में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया है, पढ़ाई अच्छे से चल रही है, मेहनत करते रहिए, जी जान लगा के रख दीजिए, बस आपका यही लास्ट चांस है पुलिस में भर्ती होने का। बहुत सुनहरा मौका है, इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता पुलिस में जाने के लिए। और लड़कियों के लिए तो इतना अच्छा मौका है, मुझे नहीं लगता जितनी भी लड़कियां आएंगी मैरिट उनकी ज्यादा हाई नहीं जाएगी। और दौड़ लगाने के लिए अगर लड़कियां हैं तो ज्यादा वजन है तो स्टार्ट कर दो, आराम से थोड़ी वॉकिंग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? क्योंकि कभी भी इसका फिजिकल हो सकता है, जैसे पेपर की डेट बहुत जल्दी आ गई तो फिजिकल की भी डेट कभी आ सकती है। तो एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए। बहुत लोगों का डाउट है सर मेडिकल में क्या क्या होता है और फिजिकल में क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ मैं एक वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ। आज की क्लास में आपका होने वाला है लिंग, ठीक है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पढ़ाऊंगा और इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगा शायद ही आपने कहीं पढ़ी होगी, 100% के साथ कह सकता हूं। आपको बस एक वर्ड याद रखना, बस एक वर्ड और पूरे आपके 4 नंबर पक्के। मैं ऐसी क्लास लाता हूं जिसमें आप देखते ही खाना आपके 4 से 6 नंबर पक्के हो जाए। इस क्लास में भी आपको 5 मिनट में, या अगर 5 मिनट भी वीडियो देख लेंगे सही से लास्ट तक, तो आराम से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस प्रकार मैं अच्छी सी अच्छी ट्रिक बना के लाता हूं आपके लिए, ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए कितना अच्छा आपको याद हो जाएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना आपको एकदम आसान भाषा में बता दूंगा। ऐसी क्लास आपने शायद ही देखी होगी, और जिसने देखी और जिसने नहीं देखी वो अच्छा सा कमेंट करना अगर आपको लगा कि ये नया कंटेंट है और बहुत ही आसान ट्रिक से मैंने आपको समझाया। तो अच्छा सा कमेंट करना, जरूर बताना कि आपने ये ट्रिक पढ़ी है या नहीं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। क्या आज के चैप्टर का क्या नाम है? लिंग, ठीक है? ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है हमारा क्या, स्त्रीलिंग, दूसरा हमारा होता है पुल्लिंग, ठीक? बस आप इनको पहचानेंगे कैसे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? देखो मैं अगर यहां पे आपके लिए लिख दूंगा लड़की, यहां पे लिख दूंगा लड़का, तो आप आसान भाषा में आराम से समझ जाएंगे हाँ भाई ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। और भी कुछ चीजें जब मैं आपको लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे सोना, अभी बताओ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? फिर यहां पे लिख दिया मैंने चांदी, ठीक? अब ये बताओ, ठीक, यहां पे लिख दिया मैंने सेब, ठीक, यहां पे लिख दिया मैंने अमरूद। अब आप इन चीजों को पहचानेंगे कैसे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक? किताब लिख दिया, ठीक है, किताब लिख दिया, या पेड़ लिख दिया, या जनवरी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया एक्स वाई जेड, आप कैसे पहचाने कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है? लड़का लड़की सब पहचान जाएंगे, और चाचा चाची कुछ भी नाम ऐसा रख दे तो सब पहचान जाएंगे, भाई ये तो सबको ही पता है। लेकिन अगर किताब, पेड़, जनवरी, सेब, सोना, चांदी, अमरूद, या किसी महीने का नाम, या किसी नदी का नाम, कोई भी, मान लो गंगा लिख दिया, ठीक है, नदी का नाम लिख दिया, कोई सब्जी का नाम लिख दिया, आलू लिख दिया, ठीक, अब कैसे पहचानेंगे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यही पहचानने की मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। पहले तो बताऊंगा कि आप लोगों को पढ़ाया कैसे जाता, आप लोगों को बताया कैसे जाता कि ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, ठीक? तो हम आपको समझा रहे हैं, जैसे कुछ लोग को ऐसे बता देते हैं, आपको कैसे बता देते हैं कि स्त्रीलिंग में हमेशा क्या क्या आएगा। देखो स्त्रीलिंग में क्या क्या आएगा सब बताते हैं, ये तो सब बताते हैं। देखो कोई भी नदी, ठीक, नदियां स्त्रीलिंग में आएंगी, ठीक, एक चीज हो गया। उसके बाद देखो भाषाएं स्त्रीलिंग में आएंगी, उसके बाद तिथि स्त्रीलिंग में आएंगी, ये सब बताते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं बताता है, ठीक है? और इसमें देखो आपको क्या क्या बता देते हैं, क्या क्या बताते हैं, देखो देश के नाम हमेशा पुल्लिंग में आएंगे, ग्रह के नाम, दिनों के नाम, ठीक, धातु का नाम, ठीक, दिनों का नाम, देश का नाम, ग्रह का नाम, धातु का नाम, एक्स वाई को, सब्जी का नाम। अब सब्जी का नाम इसमें ही देखो, सब में मैं अब आपको डाउट निकालूंगा, ठीक? मान लिया किसी ने बता दिया,
नदियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे, ठीक, मैंने नदियों के नाम याद कर लिए कि स्त्रीलिंग होंगे। उसके बाद देश के नाम, ठीक, किसी ने बता दिया पुल्लिंग होंगे। उसके बाद भाषा किसी ने बता दी स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है हमने मान लिया। उसके बाद ग्रह किसी ने बता दिया, तिथियां बता दी, ठीक कि स्त्रीलिंग होंगे, ठीक। उसके बाद धातु बता दी, देखो धातु में मैं आपको डाउट बताऊं, धातु में देखो पुल्लिंग बताया, क्या बताया पुल्लिंग है। धातु मान लो सोना ले लिया, मान लिया मैंने ये पुल्लिंग है, और धातु में भाई चांदी भी तो आती है, बताओ जल्दी से बताओ, धातु में चांदी आती है, क्या ये पुल्लिंग है? चांदी पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है चांदी, और ये धातु में दिया, धातु में भी तो आती है, तो आपका डाउट यही हो गया पहले कि सर धातु तो भाई पुल्लिंग में आता, फिर इसमें कैसे आ गया, ठीक। एक चीज, एक सब्जी का नाम ले लो, सब्जी पुल्लिंग में आती है भाई, सब्जी पुल्लिंग में आती, मान लो आलू है, आलू है, मुझे पता है कि हाँ ये पुल्लिंग है, लेकिन अगर यहीं पे मैंने गाजर लिख दिया तो क्या आप बताओगे ये पुल्लिंग है? क्या आप कह सकते हैं कि ये पुल्लिंग है? नहीं, ये स्त्रीलिंग है। अब हमारा डाउट फिर भी बना रहेगा कि हाँ सर आपने तो ये बताया था, लेकिन अब इसमें से सब चेंज हो रहा है, ठीक। और दिनों के नाम कहां गए? तिथि, ठीक है, दिनों के नाम सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, ठीक। उसके बाद तिथि के नाम, ठीक, एक तारीख दो तारीख तीन तारीख, समझ में आ गया अच्छे से। पेड़ों के नाम, ठीक है, पेड़ हो गया, सब्जी हो गया, कुछ भी, ये सब आएंगे। देखो पेड़ में भी आपको डाउट दिखाऊं, देखो बरगद का पेड़, ठीक, आपको समझ में आएगा, आम का पेड़, किसी का भी पेड़, ये सब पुल्लिंग होते हैं, इसमें भी अभी आपको डाउट निकाल दूंगा, ठीक, समझ में आ गया ये सब कुछ, समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं, बस ये चीज आपको सब लोग बताते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ एक चीज पढ़ना है, काम खत्म, मात्र एक चीज पढ़ना है, पूरी वीडियो का काम खत्म। और ये सब जितना भी आपने पढ़ा इससे कोई मतलब नहीं, आप कैसे पहचानेंगे या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वही चीज तो मैं आपको बताने आया हूं। अगर समझ में आया तो अच्छा सा लाइक करना, सबके पास शेयर कर देना, मुझे मालूम आप अपने पड़ोसी के पास नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि उसको भी पता लग जाएगा, फिर कंपटीशन और बढ़ जाएगा, लेकिन ये सब मजाक है, सबके पास शेयर कर दो, जिसको नहीं आता उसको भी आ जाएगा कि अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानना हो गया बहुत ही आसान, आसान बिल्कुल आसान, इतना आसान कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है, बताऊंगा, बस दो मिनट सबर रखो, बताऊंगा, ठीक है। और एक चीज और आपको बता दूं, जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, कल मेरा बर्थडे है, उसमें आप तीन लोग सिलेक्ट करेंगे मैं कल की डेट में, और जिसका भी नाम आएगा उसका मैं एड्रेस पूछ के उसको बुक प्रोवाइड करा दूंगा। कौन सी बुक है? रीजनिंग की, सबको पता है, ठीक है, जिसका अच्छा सा कमेंट होगा उसमें अच्छे से रिप्लाई होगी, ठीक, उनको देने वाला, और भी आगे चीजें देते रहेंगे आपको, अच्छा अच्छा गाइड भी करते रहेंगे, और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने वाले हैं जिसके माध्यम से हम आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा सके अपने YouTube की। अगर आप YouTube पे मेरी वीडियो देखते हैं तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे मेरी नई वीडियो पहुंचती है ना तो आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप लोग बेल आइकन क्लिक ही नहीं करते हैं, जो घंटी जैसी बनी होती है उसमें क्लिक करो, उसमें लिखा होगा आल, ठीक है, तो आल नोटिफिकेशन आपके आएंगे मेरी वीडियो जितनी जब भी आ जाएगी, समझ में आ रहा है आपको। और ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपके 6 नंबर पक्के हैं 100% के साथ कह सकता हूं, और हर क्लास में आपके कम से कम नहीं तो 4 नंबर पक्के हैं। अगर आप मेरी क्लास छोड़ देते हैं, अगर वो नहीं पढ़ते हैं, अगर मेरी क्लास आप लेते हैं तो 4 से 6 नंबर आपके पक्के हैं एक क्लास में। इस बात का मैं वादा करता हूं, जब पेपर होगा ना तब आपको सब पता लग जाएगा। अगर पेपर नहीं भी अभी हो रहा तो आप एक बार प्रैक्टिस सेट उठाइए, मेरी ऐसी कौन सी क्लास है जिससे आपको 4 से 6 नंबर नहीं मिल रहे हैं, और भाई हर क्लास वही आपकी आएगी मेरे पास, मैं आपको वही क्लास दूंगा जिससे आपके कम से कम 4 से 6 नंबर आएंगे। आपको विश्वास नहीं, प्रैक्टिस सेट उठाइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब आपको ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताना मैं और ही आसान कर दूंगा, बस एक ही शब्द आपको पढ़ना है, उसके बाद स्त्रीलिंग पुल्लिंग खत्म, 4 से 6 नंबर आपके कंप्लीट, ठीक है। सर ये मिटा रहा हूं और बस एक चीज आपको बता रहा हूं, नहीं भी मिटा रहा हूं फिर भी देखो उससे मैं सिखा रहा हूं, जो मैंने यहाँ पे बताया कि ये नहीं हो सकता है, देखो ये कैसे हो सकता है। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, सिर्फ दो बार याद रखना है, क्या याद रखना है, देखो देख लो एक बार जल्दी से, और शेयर कर दो सभी के पास, सभी दोस्तों के पास, क्या याद रखना है, जैसे दिखाई दे रहा है आपको। अब एक चीज ये बताओ, सच बताना, अब एक चीज ये बताओ, मैंने ये दो चीजें लिखी हैं, एक अच्छा एक अच्छी, इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है? सबको लग रहा होगा भाई पुल्लिंग कौन सा है हमारे पास, ठीक है, पुल्लिंग कौन सा है हमारे पास,
ये हमारे पास है पुल्लिंग, ये हमारे पास क्या स्त्रीलिंग, समझ में आ रहा। ये तो पहचान ही लेंगे आप, अगर ये शब्द भी नहीं पहचान पा रहे तो आप क्या पहचान पाएंगे भाई। इतना भी आसान नहीं है फिर कि बस पुलिस की नौकरी ऐसे मिल जाए, मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन किस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, उस चीज को मैं बहुत आसान समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका मन लगा रहे। अगर आप बिल्कुल नए बिगनर हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम, फिर भी आपको मेरी क्लास से समझ में जरूर आ रहा होगा, इस बात का मैं चैलेंज दे सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, लेकिन वो तो आपके ऊपर है, आप ही बता सकते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं अपनी तरफ से 100% बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको आना चाहिए, ठीक। अब ये अच्छा जो है आपको समझ में आ रहा है, अच्छा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, सबसे पहले जल्दी से बताओ कमेंट करके, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है भाई, क्या है भाई, पुल्लिंग है, अच्छा मतलब लड़का, ठीक, अच्छा है, ना कि लड़का अच्छी है, समझ में आ रहा है। अब यहीं से आपको ट्रिक मिल गई समझो। और ये लड़की, लड़की कैसी होती है, अच्छी मतलब स्त्रीलिंग, अच्छी, ठीक है। अच्छा और अच्छी आपको पता हो गया तो आप सब कुछ कर ले जाएंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कोई डाउट नहीं। जैसे लड़का अच्छा है या अच्छी है, अच्छा है मतलब पुल्लिंग, ठीक। देश अच्छा है या अच्छी है, बताओ जल्दी से बताओ, देश अच्छा है ना तो मतलब पुल्लिंग है। ग्रह, ग्रह हमारा अच्छा होता है या फिर अच्छी होती है, ग्रह अच्छा है मतलब पुल्लिंग। उसके बाद दिन, सोमवार, सोमवार अच्छा है या अच्छी है, सोमवार अच्छा है। उसके बाद धातु, सोना, सोना अच्छा है या अच्छी है, सोना अच्छा है पुल्लिंग। अब ये चांदी जो डाउट था, चांदी अच्छी होती है या अच्छा होता है, चांदी अच्छी होती है भाई, चांदी की चीजें लेने जाते हैं भाई, ये वाली चांदी चीज है ये बहुत अच्छी लग रही है, अब सोना ले, सोना दिखा देना, ये वाला कुंड, ये सोना अच्छा लग रहा है, ठीक, समझ में आएगा। आलू, आलू अच्छा है या अच्छी है, आलू अच्छा होता है। और ये गाजर, गाजर अच्छी होती है, अच्छा गाजर अच्छी है, ठीक। मूली अच्छी है, ठीक है, सब्जियों के नाम ये भी स्त्रीलिंग में आ जाते हैं बहुत। गोभी अच्छी है, ना कि गोभी अच्छा है, ठीक है। अब आपको जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताना बस यहीं से। और ये नदियां, नदियां, ये तिथि, तिथि सब देखो कैसे आपको आती है, अब जल्दी जल्दी से बताओ, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। गंगा, हिमालय, पर्वत, ठीक है, यमुना, जल्दी जल्दी से बताओ कमेंट करके, ये कौन सा है, कैसा है, स्कूल, ठीक है, स्कूल, चौथ, दूज, तीज, समझ में आ रहा, दिनों के नाम आपको पता ही लग गया सब कुछ, ठीक है, सोमवार, ठीक है, समझ में आ रहा, सोना, लोहा, लोहा, पीतल, ये चीज सबको समझ में आ रहा है, स्कूल हो गया, ये हो गया, गंगा हो गया, उसके बाद जल्दी जल्दी से बताओ, ये कमेंट करके बताओ, भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, ठीक। ट्रिक आपके पास सिर्फ ये, अब दिमाग लगाना सिर्फ अच्छा और अच्छी। अब बताओ स्त्रीलिंग में गंगा, गंगा अच्छी होती है, अच्छा होता है, जल्दी बताओ, गंगा बहुत, ऐसे बहुत बड़ा है, मैं कहां से इतना याद करूं, कोई वर्ड आपके पास जब सामने आएगा तब अच्छा अच्छी लगाना है। मैंने कुछ वर्ड लिखे भी थे जो थोड़ा सा याद हो गए, तो वो चीज हमने देखो, सोमवार अच्छा है या अच्छी है, सोमवार अच्छा होता है, ठीक, तो क्या होगा ये पुल्लिंग, ठीक, गंगा अच्छी होती है, ठीक है, स्त्रीलिंग, पर्वत, पर्वत अच्छा होता है, अच्छी होती है, जल्दी बताओ, पर्वत अच्छा होता है मतलब पुल्लिंग, स्कूल अच्छा होता है, अच्छी होती है, स्कूल अच्छा होता है पुल्लिंग, ठीक। उसके बाद हिमालय अच्छा होता है, अच्छी होती है, हिमालय अच्छा होता है पुल्लिंग, सोना अच्छा होता है, अच्छी होती है, सोना अच्छा होता है, लोहा अच्छा होता है, अच्छी, लोहा अच्छा होता है, पीतल अच्छा होता है, अच्छी, पीतल अच्छा, अच्छा होता है, अच्छी होती है, तो पीतल अच्छा होता है, ठीक। यमुना अच्छा होता है, अच्छी, यमुना, गंगा, ये सब क्या होता है, देखो हमने गंगा बताया, यस, यमुना, यमुना अच्छी होती है, अच्छा, यमुना अच्छी होती है,
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद चौथ, चौथ अच्छी होती है, अच्छा होता है, चौथ अच्छी होती है मतलब स्त्रीलिंग, दूज अच्छी होती है, तीज अच्छी होती है स्त्रीलिंग, ये एस का मतलब स्त्रीलिंग है, ठीक है, नहीं तो वही कल वाली मात्रा समझो, हम नहीं जानते भाषा, अंग्रेजी अच्छी होती है मतलब एस स्त्रीलिंग, हिंदी अच्छी होती है स्त्रीलिंग, गुजराती अच्छी होती है स्त्रीलिंग, ठीक। आप ऐसी कौन सी चीज है जो आप नहीं बता पाएंगे कि ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, सबसे पहले कमेंट करके बताओ जल्दी, ऐसी है कोई चीज जिसको आप बता सकते हैं, आपको डाउट है कि सर ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, कोई भी चीज ले लो एक्स वाई जेड, फोन अच्छा है अच्छी है बताओ, कैमरा अच्छा है अच्छी है जल्दी से बताओ, हेलमेट अच्छा है अच्छी है, मोटरसाइकिल अच्छा है अच्छी है, मोटरसाइकिल अच्छा है नहीं, मोटरसाइकिल अच्छी है, कार अच्छा है अच्छी है जल्दी बताओ, गेट अच्छा है अच्छी है, अलमारी अच्छा है अच्छी है, जो मेरे सामने चीजें आ रही मैं सबका नाम बता रहा हूँ, ठीक है, लाइट अच्छा है अच्छी है, लाइट अच्छी है ठीक है ना, कि अच्छा है, उसके बाद तेल अच्छा है अच्छी है, घी अच्छा है अच्छी है, दूध देखो, दूध और चाय, दूध अच्छी होती है जल्दी बताओ, दूध अच्छा होता है, उसके बाद चाय, चाय अच्छी होती है अच्छा होता है, चाय अच्छी होती है मतलब स्त्रीलिंग, चाय पत्ती अच्छी होती है, गैस अच्छी होती है स्त्रीलिंग, नमक अच्छा होता अच्छी होती है, नमक अच्छा होता है ठीक है, मसाला अच्छा होता है, पर्दा अच्छी होती है, अलमारी अच्छी होती है, क्या क्या बताऊं मैं, किताब अच्छी होती है, लाइट तो बता ही दिया, बैग क्या बताऊं, बैग अच्छा होता है अच्छी होती है, बैग अच्छा होता है, कुर्सी अच्छा होता है अच्छी होती है, कुर्सी अच्छी होती है, अब सब कुछ समझ में आ गया भाई, कुर्सी होगी, मेज हो गई, टेबल हो गई, ठीक, ये क्या होता है, कुर्सी अच्छी होती है यस स्त्रीलिंग, मेज अच्छी होती है स्त्रीलिंग, टेबल अच्छी होती है स्त्रीलिंग, ठीक, बेड, बेड क्या होता है, अच्छा होता है भाई साहब। अब जल्दी से बताओ कैसी लगी आज की वीडियो, मजा आया, जाओ जल्दी से सबके पास शेयर कर दो, वही कंटेंट मिलेगा जिसमें आप कम से कम भी तो आपसे आपके 4 से 6 नंबर पक्के, 4 से 6 नंबर पक्के 100% इसी क्लास में, जाके देख लो, प्रैक्टिस सेट लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें से देख लो, एक दो क्वेश्चन 100% होंगे, और भाई सिलेबस में ये है तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा, मजा आया, तो आज के लिए इतना काफी, बने रहिए हमारे साथ, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ की मेरी सारी क्लासें पढ़ी हुई हैं, आप जाइए एक बार चैनल पे जाइए, सब लोग मैथ मैथ बार बार चिल्ला रहे हैं, सब क्लासें पिछली पढ़ी हुई हैं उनको देखिए, कुछ रीजनिंग की भी पढ़ी है, रीजनिंग की ऐसी ऐसी क्लासें मैं अभी लेके आने वाला हूं आपके लिए, जो बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास होंगी, मैं वही आपको पढ़ाने की कोशिश करूं जो परीक्षा में 100% पूछा ही जाएगा, कम समय में इतना कंटेंट दे दूंगा, अगर आप मेरी वीडियो देखते भी हैं तो कुछ ना कुछ पाके ही जाएंगे, ऐसा नहीं टाइम वेस्ट होगा, कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे, आज की क्लास में कितना लिया, कल हमने आपको वो पढ़ाया था छंद समझ में आया था, उससे पहले भी मैं अलंकार पढ़ा चुका हूं, उसके बाद आपके पास आने वाला समास आने वाला है, उसके बाद संधि आने वाली, बहुत ही आसान भाषा में समझ में आएगा बिल्कुल 100% के साथ, ऐसी ऐसी ट्रिक लाऊंगा बस आप देखो और याद हो जाए, रटने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल, इसमें क्या याद करने की जरूरत है, आपको अच्छा अच्छी नहीं मालूम होगा, अच्छा स्त्रीलिंग होता है पुल्लिंग होता है ये नहीं मालूम होगा क्या, मालूम होगा, इसी से तो हम सब कुछ कवर कर ले जाएंगे, ठीक, तो आज के लिए इतना काफी, बने रहिए हमारे साथ, जय हिंद जय भारत, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना जल्दी से, और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूं बहुत ही जल्द, उसको ज्वाइन कर लो, उससे सबके पास हमारी वीडियो पहुंच जाएगी, ठीक है, बहुत ही जल्द बनाने वाला हूं, तो आज की वीडियो कैसे लगी, बहुत ही मस्त है, इसको छोड़ना नहीं, इसको पूरी देखना जरूर है आपको इस क्लास को, वरना फिर बहुत कुछ खो देंगे इस क्लास से अगर आपने नहीं देखा तो, इसीलिए मैं कहता हूं मेरी सारी क्लासें देखो, कोशिश करो, कुछ तो समय निकालो मेरी क्लासों के लिए, बाकी कहां पढ़ रहे हो कैसे पढ़ रहे हो मुझे कोई मतलब नहीं, आप पढ़िए आपको जहां अच्छा लगे वहां पढ़िए, ऐसी बात नहीं, जहां से आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है या आपको समझ में आ रहा है वहां से पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आना चाहिए, कम समय है और वर्दी तो आपको लेनी लेनी है 100% के साथ, एक सीट पक्की करनी है 60,000 में मत जाओ, 60,000 तो वैकेंसी है, आपको एक सीट लेनी है अपने लिए, उसके लिए तो मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हो वहां 25 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं तो हम कैसे ले लेंगे, आपको तो सिर्फ एक ही सीट लेनी है, 25 लाख क्या करते हैं क्या नहीं करते उससे क्या मतलब है भाई, जब मैं भर्ती हुआ था तो मात्र 5,000 वैकेंसी थी तो मैंने भी तो एक ही सीट ली थी, तो आपको 60,000 में एक सीट लेनी है क्या ज्यादा है, बहुत आसान है, बहुत कम मेरिट जाएगी, मेरिट पे भी एक वीडियो बना दूंगा, बहुत ही कम मेरिट जाएगी, बस मेहनत करते रहिए, ठीक, जय हिंद जय भारत।